हे गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 लगभग, 9:15। और आज मैं जाऊँगा अपनी बाइक की सर्विस कराने, क्योंकि उसकी पहली सर्विस आ गई है। एक्चुअली क्या है, उसको 500 किलोमीटर और 1 महीने में पहली सर्विस करानी पड़ती है। अगर आप उसको नहीं कराती तो वो पहली सर्विस आपकी चली जाएगी। जैसे ही आप दूसरी बार जाओगे ना, जैसे एक दिन भी अगर ऊपर हो गया पहली सर्विस से, तो वो सेकेंड सर्विस में काउंट होगा। तो आज जाना ज़रूरी है, क्योंकि 27 तारीख को अपने बाइक ली थी। तो 27 तारीख परसों है, कल 26 है, कल जाना नहीं हो पाएगा। आज चलते हैं और बाइक की सर्विस करा के आते हैं पहले, क्योंकि जितनी जल्दी जाऊंगा उतनी जल्दी वापस आऊंगा। पहले क्या है कि थोड़ा रोशनी बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, मोटो ब्लॉगिंग करने से पहले क्या है कि अपने जो गैजेट्स हैं ना, उनको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हेलमेट बहुत ज़रूरी है और अपना कैमरा बहुत ज़रूरी है। कैमरे में तो बैटरी नहीं थी, अभी मैंने देखा था, तो मैंने बैटरी चार्ज कर ली है वैसे, तो बैटरी लगा दूंगा। और हेलमेट का वाइजर, जब मैं आगरा ट्रिप पे गया था ना, इतना गंदा हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना गंदा हो रहा है। पहले मच्छर भी बहुत मरे थे उससे, ये देखिए पूरा गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। तो अब मैं इसको साफ करूँगा। इसके लिए मैं क्या ले आऊँ, कॉलिन। ये कॉलिन है, पूरा हेलमेट साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, वाइजर तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीज आर माई असेट्स, ये अगर गंदी रहेंगी तो कुछ भी सही नहीं रहेगा। तो इसको तो बिल्कुल क्लीन कर लिया मैंने, देखिए बिल्कुल कहीं से भी एक दाग भी नहीं छोड़ा है इस पर। और ये पीछे से देखिए बिल्कुल साफ़, ऐसा लग रहा बिल्कुल नया अभी खरीद के लाया हूँ। कॉलिन से साफ़ कराया मैंने, कॉलिन से। और आज मैंने ना इसमें अपना विंड ब्लास्टर भी लगा दिया है, ये वाला, ये दिख रहा है ना आपको, ये भी लगा दिया है मैंने इसमें आज। तो आज देखता हूँ आवाज़ में क्या है, जब मैं स्पीड में चलाता हूँ ना बाइक, तो थोड़ी आवाज़ कट सी जाती है ना, इसके लिए मैंने ये लगाया, क्योंकि इसी की वजह से जो हवा बहुत तेज अंदर घुसती है। तो मैंने चला ये लगा के देखता हूँ, क्या पता इससे काम चल जाए, न फिर माइक ही चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा वाला लेना पड़ेगा, है ना। अभी तो मैंने 200-250 वाला लगा रखा है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, तब तक मैं अच्छे अच्छे माइक भी खरीदूंगा। फिर मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत लगती है सारे काम में, बहुत मेहनत। पर आप मुझे इस काम को करने में इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं कर लेता हूँ मेहनत। इसलिए शुरू से सब लोग कह गए हैं कि जो काम में आपका इंटरेस्ट होना वो ज़रूर करें। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और आने लग गया है। अब तो ऐसा लगता है यही करता रहूँ, बट और भी बहुत काम है मेरे पास अब, क्योंकि मुझे ये पहले नहीं पता था। और पहले पता होता तो बाकी सारे कोई काम नहीं करता, सिर्फ यही करता। अब मैंने शुरू किया है, तो धीरे 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 आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं इसको मेन काम बना लूँगा अपना, धीरे 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 धीरे। पर एक संग कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे मेहनत करूँगा तो बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब मैं इसकी बैटरी चेंज करता हूँ अपने कैमरे की, तो वेट फॉर अ मिनट। इस केस में तो ऐसा लगता है ना, कितना बड़ा फ़ोन है वो कैमरा है। ये देखिए, ये केस खुला, ओहो ये तो बहुत बहुत महंगी चीज़ है, गिर गई। इसका ध्यान नहीं रहता मुझे खोलने का, पहले ये निकालना पड़ता है तब खुलता है। इसमें से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एक काम को करने के लिए। इसकी बैटरी निकालता हूँ, पहले देखता हूँ कितनी चार्ज है। अबे ये तो 100% है, मैंने नहीं डाली है इसमें। एक बैटरी साथ ले जाऊंगा रख के, हो जाएगा मेरा काम। बाई द वे, बाई चांस ये ख़त्म हो गई, सबसे पहले इसमें पुरानी वीडियोस जो है ना उनको डिलीट कर देता हूँ। तो अब चलते हैं और बाइक की सर्विस कराते हैं। जुकाम भी बहुत तेज़ हो रहा है, मतलब जब तक ऑट्रीबिन नहीं डालूंगा ना, तब तक सही नहीं रहेगा, सांस बंद सी रहेगी। ऑट्रीबिन से 12 घंटे सही रहता है मामला। सो गाइस, आई एम रेडी टू गो। और आज मैंने अपनी दाढ़ी पे क्या है, बियर्डो का जो शाइनर आता है ना, सीरम जो शाइन करती है दाढ़ी जिससे, तो वो लगाया है। तो थोड़ी चमक रही है आज मेरी दाढ़ी वीडियो में, दाढ़ी वीडियो में चमक रही है। और अब मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ, आज मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज कराया है अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये माउंट पहले कैमरा यहाँ पर लगता था, अब मैंने इतना बड़ा माउंट और बढ़ाया है, जिससे क्या मुझे दिखता रहेगा कि वीडियो कैसी आ रही है। ये बहुत अच्छा काम किया है मेरे अकॉर्डिंग मैंने, क्योंकि पहले क्या दिखता नहीं था ना, तो मुझे
अंदाजे से वीडियो चालू कर देता था, उसको बंद कर देता था, ऑन कर देता था, ऑफ कर देता था। अब मुझे दिखता रहेगा सब कुछ कि वीडियो कैसी आ रही है, ऑन है कि नहीं है, बैटरी भी कम यूज होगी, अब इतनी ज़रूरत है उतनी यूज करूँगा। ठीक है चलते हैं, फिर बाइक पे मिलता हूँ आपको सीधे। मैं निकल लिया हूँ घर से और मैं क्या है ग्लव्स पहनना भूल गया था, तो सबसे पहले पहनता हूँ अपने ग्लव्स, क्योंकि और ठंडे ठंडे हाथ लग रहे हैं, हवा बहुत ठंडी चल रही है ना इसलिए। और ये देखिए जैसे ही सांस लेता हूँ ना, दिखेगा तो नहीं आपको, जैसे ही मैं सांस लेता हूँ ना तो वाइजर पे है ना इतनी सारी धुंध छा जाती है, और जैसे ही अंदर लेता हूँ तो वो धुंध हट जाती है। तो अब ये पहन लिए अपने ग्लव्स और अब चलेगी सूटा सूट। अभी जब मैं खड़ा हुआ था ना दोस्तों, तो खड़े खड़े मेरी सांस इस वाइजर पर जम जा रही थी, अब मैं चल रहा हूँ ना बाइक लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ ठंडी चल रही है लेकिन ठंड इतनी तेज नहीं है, ये क्या है जो जैकेट बाइकर है ना इसमें ज़्यादा ठंड रुकती नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो नहीं रही है, हाथों में ठंडा लग रहा है क्योंकि मैंने ना वेलक्रो नहीं लगाया, इसलिए वेलक्रो लगाया होता तो अंदर हवा नहीं जाती, हवा नहीं जाती तो ठंड कम लगती, और थोड़ी और हवा भी जानी चाहिए, शरीर एकदम फ्रेश फ्रेश सा रहता है फिर। सबसे अच्छा पता है शोरूम पहुँचने में क्या है, ये आउटर है बिल्कुल, बैतूल में एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं होती बिल्कुल। सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आराम से जाओ। अगर ये शोरूम भरतपुर के अंदर होता ना तो पूरे भरतपुर में अंदर बार बार गियर बदलो चलाओ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अच्छी जगह खुला है, और अभी तो ये टेम्परेरी है यहाँ पे ये वाला, अभी नया शोरूम बन रहा है इन लोगों का तो तब और भी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स होगा। यशदी को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है भरतपुर में तो करना पड़ेगा ये सब कुछ, पर अच्छी बात है ट्रैफिक में चलाने की आदत हो जाएगी ना तो बड़े बड़े हाईवे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई। तो बहुत ही जल्दी एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगी, कहाँ की आएगी ये मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन सोचा है मैंने दो तीन जगह, उनमें से एक जगह ज़रूर जाऊँगा, पहले स्टार्ट करूँगा, जाऊँगा तो सारी जगह लेकिन पहले कौन सी जगह जाऊँ ये प्लान कर रहा हूँ अभी, और बहुत ही जल्दी आने वाली है वो वाली राइड, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है उस राइड को आने में, पहली जो राइड होगी ना वो भगवान के लिए डेडिकेट होगी तो ये मैंने हिंट दे दिया है भगवान के लिए डेडिकेट होगी, देखते हैं कब कर पाता हूँ वो वाली राइड में, पर बहुत ही जल्दी प्लान कर रहा हूँ आने वाले दिनों में, जो दिन जा रहे हैं बस वही समझ लो, क्योंकि घर पर बैठ के कुछ नहीं होने वाला, बार बार भरतपुर आऊँ जाऊँ उससे कुछ नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। यशदी जावा धोनी एक ही आउटलेट से व्यक्ति है ना, लोग उसे जावा के नाम से जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि जावा और यशदी एक ही आउटलेट से बिकते हैं, तो शोरूम भी दोनों का एक ही है। तो बस मैं भी पहुँच चुका हूँ अपने यशदी के शोरूम, ये रहा अपना यशदी का शोरूम, तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने यशदी के शोरूम। अरे ये धुआं धुआं कैसे हो रहा है? अच्छा नमस्कार सर, क्या हाल है भैया? और भैया मालिक साहब बढ़िया ही रहने चाहिए। सो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ यशदी के शोरूम पे, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आके क्या है मन उछलता रहता है इधर उधर, बाइक दिखाता हूँ, इतनी सुंदर सुंदर बाइक है यहाँ यशदी की, इतनी सुंदर सुंदर है मतलब फैन हो जाऊंगा इनका एक दिन। और भैया बोल रहे हैं कि इस साल 3 बाइक लॉन्च होने वाली है, ऐसा इनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है, और मैं आपको बाइक दिखाता हूँ एक से एक, हेलमेट लगा के बाल बाल कैसे हो गए सारे। ये देखिए ये है रोडस्टर, बहुत ही गजब बहुत ही शानदार बाइक है, इसको भी मैंने कंसिडर किया था लेने के लिए। जावा 42 बॉम्बर जो इस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी हुई है, इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, बहुत शानदार मॉडल निकाला है, इसमें डबल सीट भी करा सकते हैं यहाँ पे, उसका अलग से खर्चा है ना कितना है? 11,000 रुपये में। उसमें क्या क्या लगेगा? बैक सीट, हाँ बैक रेस्ट और दोनों साइड के वो आते हैं। अच्छा तो 11,000 में इसमें
बैक रेस्ट लग जाएगा, बैक वाली सीट लग जाएगी और फुट रेस्ट और बाक, और ये पूरी बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी आपको, इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बैक रेस्ट भी आता है रोड स्टर में, ये देखिए। और इसका तो फोटो आपने मेरे इंस्टाग्राम पर देखा होगा, नहीं देखा तो ये मेरा इंस्टाग्राम जरूर चेक कर लें। एक तो लाइट से क्या है ये और ज़्यादा चमक रही हैं तो मेरी आंखों में और बस रही हैं। ये देखिए शानदार लग रही है, रेड वाला वाइट वाले से भी अच्छा लग रहा है कलर, रेड वाला भी बढ़िया कलर है। सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाले दो कलर है ये, हाल ही में लॉन्च हुए 2 महीने पहले, बाकी 5 कलर पहले थे वो मैटी कलर में आते हैं। अच्छा हाँ हाँ, ये ग्लोसी कलर में आते हैं दोनों। अच्छा 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 सर, इसमें सिर्फ ऑयल डलता है, चेंज होता है और ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर कौन सा होता है डाल दिया, बड़ी जल्दी करी। और पुराना वाला कौन सा है? अच्छा तो सर्विस में इतना सा ही चेंजेस है इसमें, और कोई नहीं। दलवा में इसलिए नहीं रहा इसको क्योंकि इस पर PPF कराई है ना, तो हट जाएगी पूरी। अब मैं धूप निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, कब धूप निकले, कब मैं इसको धूप में खड़ा करूँ, बहुत कम से कम सुबह से शाम तक। इसमें ऑयल भी डल चुका है और फिल्टर भी डल चुका है, हो गई इसकी सर्विस है, बहुत बढ़िया। दोस्तों सर्विस मेरी बाइक की हो चुकी है और मैं आया था यहाँ पे 11 बजे लगभग, 1 घंटा भी लगा है मुझे सर्विस कराने में, क्योंकि बाइक मेरी ही थी यहाँ पर, कोई थी नहीं ना, तो जल्दी हो गई। और ज़्यादा कुछ करना नहीं था, खाली ऑयल चेंज करना था और फिल्टर चेंज करना था, वो दोनों हो गए। बाइक चला के भी देख ली, सही है ना। ये यहाँ के सर्विस मैन, क्या नाम है तेरा? राहुल, यही यहाँ पे सर्विस करता है बाइक की। तो अब मेरी बाइक इसके हवाले है, मैं चलाऊंगा और ये सही करेगा बस। तो अब चलता हूँ मैं वापस कुम्हेर, थोड़ा बहुत काम है वो करूँगा और थोड़ा भी बाइक को चला के भी देखूँगा हाईवे पे। हाईवे पे जाता हूँ फिर देखता हूँ कैसे चलती है, सर्विस के बाद पता तो चले क्या रिफाइनमेंट आया है। तो चलते हैं फिर। मैं हनुमान जी के मंदिर पे आया था, जब के दर्शन करता हूँ, आज तक मैंने इसके दर्शन करे नहीं है, और उसके बाद फिर चलेंगे वापस। ये मंदिर है हनुमान जी का, तो मैं उतारता हूँ पहले यहाँ पे अपने शूज। बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ का, इस हाईवे का। ये देखिए दोस्तों, इसके प्लर पे भी है ना, यहाँ से वहाँ तक देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है, वहाँ से लेके और यहाँ तक, और सबके नाम लिखे हैं, श्री कृष्ण, बलराम, और ये वो उधर शिव भगवान की है, सबके नाम लिखे हुए हैं। ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है मंदिर को, मतलब एक जगह सारे भगवान मिल जाते हैं, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं। और क्या मेरा थोड़ा सा प्लान चेंज हो रहा है, हाईवे पे आए और चाय नहीं पी के गए, तो एक अच्छी सी जगह चलते हैं देख के, फिर चाय पियेंगे तब वापस जाऊंगा घर। मिलते हैं प्रभु बहुत जल्दी। यहाँ पीता हूँ अच्छी सी चाय। हेयर इज़ माई बाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द लाइफ अनलॉकर। अब चलते हैं घर, अब नहीं रुकेंगे कहीं पे। अरे यार ध्यान नहीं रहा यार, ज़्यादा की शोरूम पे लगाया था एक स्पीकर, दिमाग पर गायब।
पता नहीं रहता, एक जगह स्थिर नहीं रहता ना, थोड़ी प्रॉब्लम है वो चल रही है, जब तक वो नहीं पूरी होगी ना जवान स्थिर रहेगा नहीं। अभी जाता हूँ यस डी के शोरूम, फिर ध्यान नहीं रहता यार, पता नहीं कब आऊँगा, तो एक स्टिकर अपना यस डी के शोरूम पर ला के आता हूँ। अभी हेलमेट तो उतारूँगा नहीं, ये लगाओ, कौन सी जगह लगेगा। तो दोस्तों मैं लौट के आ गया हूँ और सिर्फ खाली स्टिकर लगाने के लिए अपने चैनल का। कहाँ पे? मैं हाईवे पे एक बार इसको चलाने गया था। सही है, क्या मस्त लग रहा है। बस ने थोड़ा सा ना स्टिकर वाले ने ऊपर नीचे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही अनलॉक करे। सही है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे भी स्टिकर लगा दिया है, अब चलते हैं वापस घर पे, अपना काम हो गया सर्विस का और गाड़ी भी चला के देख ली, ऑल सेट।